नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहरों की वाटर लॉगिंग के ऊपर। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली और गुड़गांव में इतने दी बारिश हो गई कि सारा पानी जो है सड़कों में भर गया, अंडरपास भर गए। और आपने देखा होगा कि कम या ज़्यादा ये हर शहर का यही हाल होता है हर मानसून सीज़न के अंदर। तो ये शायद हम लोगों के शहरों की प्लानिंग में प्रॉब्लम है या हम लोगों की इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी प्रॉब्लम है। एक तो जो हमारे शहर हैं उनको शायद हम लोग प्लान नहीं कर पा रहे हैं अपने नेचुरल क्लैमिटीज़ के लिए या नेचुरल डिज़ास्टर के लिए, कि हम लोग ये प्लानिंग ही नहीं कर पाते कि हो सकता है कि कितना पानी आ जाए, कितनी बारिश हो जाए, उनके लिए हमें इन नालों को डिज़ाइन करना है उस तरीके से कि ये इतना पानी हैंडल कर पाएँ, या जो जिस कैपेसिटी में डिज़ाइन हमने कर दिए हैं, हमारे इंजीनियर्स ने जो डिज़ाइन कर दिया है उसको भी हम मेंटेन कर पाएँ। हम क्या काम करते हैं, इनके अंदर जो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है, कचरा है, वो भी इनके अंदर लाके डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये नाले चोक हो जाते हैं। इनमें पानी जितना फ्लो कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किए गए ये उतनी भी नहीं हैंडल कर पाते। तो यहाँ पे मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था जिसमें एक कोल माइन से कोयले को लाके शिप में लोड करके और यहाँ पे लेके आना था। वहाँ क्या था कि एक पोर्ट बनाया गया जिसमें शिप आएगा और वहाँ पे एक कन्वेयर जाएगी और शिप के अंदर कोयले को लोड करेगी। तो ऑस्ट्रेलिया में ये नॉर्म्स थे कि अगर 100 साल में एक बार भी ऐसा इंसिडेंट होता है कि बहुत बड़ा नेचुरल क्लैमिटी हो जाती है और बहुत पानी बारिश हो जाती है, उस केस में भी जो कोयले से गंदा हुआ पानी है बारिश का वो भी समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए एक सिस्टम डिज़ाइन करना है, जैसे ही बारिश हो वो सारा पानी जो है वापस से ऑन शोर लेके आना है, उसको क्लियर करना है, क्लीन करना है, उसके बाद ही पानी को समुद्र के अंदर छोड़ना है। तो ये जो बड़ी प्लानिंग थी वो 100 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और हम लोग शायद एक साल की भी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं कि एक साल में कितना बारिश हो जाएगा या एक दिन में कितना बारिश हो सकता है और उसके लिए हम अपने ड्रेनेज सिस्टम को तैयार करें। तो ये शायद हमारी प्लानिंग की कमी है। और मैंने पिछले वीडियोस में दिखाया था कि आपको किस तरीके से 50% हम लोग ब्यूरोक्रेसी में अपनी रिजर्वेशन देके लोगों को भर्ती कर रहे हैं, तो ये उससे भी रिलेट हो सकता है क्योंकि जो हमारे इंजीनियर्स वहाँ बैठे हुए हैं, प्लानर बैठे हुए हैं, शायद वो समझ ही नहीं पा रहे कि कितना पानी बारिश हो सकती है एक दिन के अंदर और उस पानी को हैंडल करने के लिए हम लोगों ने जो सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम तैयार किए हैं वो हैंडल कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसमें दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो प्लानर हैं उनकी भी, और एज ए इंडिविजुअल भी हम लोगों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको जिस कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है वो हम मेंटेन कर पाएँ, इनके अंदर कचरा ना भरते रहें। दूसरा, ये जो नाले बंद कर दिए जाते हैं, टॉप से इनको कवर कर दिया जाता है, तो इनमें क्या होता है कि कोई भी जेसीबी मशीन वगैरह सफाई नहीं कर पाती है। बीच बीच में आप देख रहे होंगे ये ब्लॉक्स लगा के बनाया गया है सफाई करने के लिए, लेकिन अगर जितने स्ट्रेच में ये क्लोज है, टॉप कवर है इसका, उसके बीच में सफाई नहीं हो सकती, इसके अंदर कोई मशीन नहीं जा सकती। और अगर मैनुअल क्लीनिंग करें तो मैनुअल क्लीनिंग में आपको शायद पीछे आपने कुछ न्यूज़ें पढ़ी भी हों कि बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो ये अगर फ्लो इनका मेंटेन रहे तो इनके अंदर गैसेस भी कम बनती हैं और इनके अंदर हम लोगों को ये जो कचरा है ये ब्लॉकेज नहीं छोड़नी है। अगर ये ब्लॉकेज रही तो पानी इनका डेफिनेटली बाहर आ जाएगा। तो मेरा मैसेज आज का इतना ही था कि अपने कचरे को, जो नॉन डिग्रेडेबल कचरा है, उसको बहुत स्पेसिफिक तरीके से ही डिस्पोज ऑफ करना है आपको। कहीं भी इधर उधर नहीं फेंक देना है। आप घर से बाहर निकलें तो एक बैग लेके जाएं, जो भी आप अगर कचरा यूज़ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये नॉन डिग्रेडेबल है, तो उसको, उस कचरे को वापस ले आए घर में और अपने डस्टबिन में डालें, इधर उधर सड़कों पर ना फेंकें। Thank you very much.